स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी है, डंकन गोयनका ग्रुप की कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है, ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैं ही रेकमेंड कर रहा हूं, शायद हमारे पैनल में भी रेकमेंड किया है, सुमित जी ने भी किया होगा, और प्लस मुझे ध्यान है जो ट्रेडर्स जा रही है उसमें भी ये स्टॉक को रेकमेंड किया गया, तो और भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पेपर स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत जबरदस्त क्रांति मचाए हुए, सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया किए हमने, जो भी रेकमेंड किए पास में, भले CSSI पेपर हो, वेस्ट कोस्ट पेपर हो, JK पेपर ने गजब किया ही है। सो ओवरऑल पेपर स्टॉक्स, थोड़ा सा एक तो रीजन ये है कि कोरोना की वजह से थोड़े पेपर स्टॉक्स लैग कर रहे थे और अभी भी कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरली लीड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे वो सेफ्टी दिखती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया लगता है। और फिर वैसा स्टॉक जो कि एक अच्छे ग्रुप से हो और जीरो डेट कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंटली पेपर स्टॉक्स में, टेक्सटाइल स्टॉक्स में कई सेगमेंट ऐसे होते हैं जहां पे डेट से एक दस्तूर बन जाता है, जल्दी वो शुगर स्टॉक्स हो, बट यहां पे पेपर स्टॉक में ये एक जीरो डेट कंपनी है। CSSI पेपर भी एक जीरो डेट कंपनी है, छोटा मोटा डेट है, बट यहां पे जो वैल्यूएशन है 10 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है और बुक वैल्यू इसकी 312 की, उसके सामने ये 122 रुपए 120 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जीरो डेट कंपनी हो गई है। और पिछले 3-5 साल की अगर कैगर देखूं, 5 साल की प्रॉफिट की कैगर, तो करीब 18-19% से ग्रो की है। और ओवरऑल जो रिजल्ट्स थे, जून लाजमी था कि हल्का होना था, जून का क्वार्टर, सितंबर का क्वार्टर थोड़ा रिकवर किया और दिसंबर का क्वार्टर वॉज वेरी गुड। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और एक अच्छी जीरो डेट कंपनी जहां पे एक तो सबसे बढ़िया बात है FIIs, DIIs और इन सबको देखता हूं, तो छोटी मोटी FIIs, DIIs की भी स्टेक है एंड प्रोमोटर्स की, और कुछ नामचीने इन्वेस्टर्स, अगर आप इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स देखें तो कुछ नामचीने इन्वेस्टर्स का भी नाम आता है जो कि स्मॉल कैप मिड कैप में माहिर होते हैं पिकअप करने में। तो मुझे लगता है कि एक पुरानी कंपनी, 1938 से कार्यरत कंपनी, एक बेहतरीन कैपेसिटी वाली कंपनी, इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। स्टार पेपर कैन डू वेल फ्रॉम हियर और मेरे को लगता है कि आराम से ये 150-160 के लेवल्स दिखा सकते हैं। इसका हाई 310 का रहा हुआ है जब हमारे मिड कैप स्मॉल कैप का ड्रीम रन लिया था, जो कि मैं आजकल काफी उसका एग्जाम्पल देने लगा, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी सब बहुत ऊपर है, बट अपने मिड कैप और स्मॉल कैप्स पर्टिकुलरली वो नहीं, अभी तक वो इंडेक्स वहां तक आ रहा है। सो 310 का अगर कोई हाईएस्ट छुआ हुआ कोई कंपनी, तो 150-60 का टारगेट बहुत छोटा है मेरे हिसाब से, और तब से फंडामेंटल्स में बहुत चेंजेस आए कंपनी। तो ये है वो स्टॉक जहां पर आपको करना है इन्वेस्टमेंट, स्टार पेपर, जैसा आप कह रहे थे कि काफी रिकमेंडेशन में आए, जी हाँ, हमारे मालामाल वीकली का भी स्टॉक रहा हुआ है और सेठी साहब ने भी इसे कई बार रिकमेंड किया, तो सारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स स्टार पेपर को रिकमेंड कर चुके हैं। जैन साहब की तरफ से भी यहां पर खरीदारी की राय।